रमजान के पाक महीने में भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शियाओं को मारने के लिए लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिया समुदाय के स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाया गया था। इस विस्फोट में कई बच्चों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इसके चलते आज दुनिया भर में शिया समुदाय के ऊपर हो रहे आतंकी हमले के विरोध में जनपद कानपुर के सभी शियाओं ने हुसैनी टाइगर के बैनर तले ग्वाल टोली शिया जामा मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हुसैनी टाइगर सोसाइटी के नगर अध्यक्ष कासिम रिजवी ने बताया कि इस जुलूस के जरिए आतंकवाद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जिसमें पूरे जिले से पुरुष व बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि हर वर्ग से गुहार लगाई है कि जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है वह सभी लोग इसमें हिस्सा लेकर सहयोग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। सर आज किस तरीके से यहाँ पर ये आपको ये ज्ञापन दिया गया, क्या ये मामला है? जो ज्ञापन हमको दिया गया ये मैं अपने पुलिस आयुक्त महोदय के स्तर से शासन तक भिजवा दूंगा और इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हम सब एक हैं, किसी प्रकार की कोई आपस में मतभेद नहीं है। सब लोग मिलजुल करके ईद के त्यौहार की मनाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर कोई भी किसी भी प्रकार से हम लोगों के बीच में आकर के किसी भी प्रकार से दखलंदाजी करने का प्रयास करेगा तो उसको उसी भाषा में उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, जो ईद आ रहा है सारी व्यवस्था पूर्ण है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शासन पूरा लगा हुआ है और शासन की हर बात को पालन करते हुए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और उसी सहयोग की अपेक्षा में हम सब कार्य कर रहे हैं।